कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे यूपी के चर्चित नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा किया जाएगा। सजा में ये कटौती उनकी सेहत और अच्छे व्यवहार की वजह से की जा रही है। तो क्या है मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की वो कहानी जिसने अमरमणि त्रिपाठी के सितारों को ऐसा गर्दिश में मिलाया कि उनके अगले 20 साल जेल में बीते। वो तारीख थी 9 मई 2003। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी का इलाका सिर्फ 24 साल की उभरती हुई कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बदमाशों ने उनके 2 कमरे के अपार्टमेंट में घुसकर बेहद करीब से मधुमिता को गोली मारी थी। जिस वक्त मधुमिता शुक्ला को गोली लगी उस वक्त वो 7 महीने की गर्भवती थी। हालांकि उनके प्रेग्नेंट होने की जानकारी बाद में सामने आई थी। मधुमिता शुक्ला की हत्या की खबर जैसे ही सामने आई कुछ ही मिनटों में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को मधुमिता के नौकर ने जो जानकारी दी उससे हड़कंप मच गया। मधुमिता के घर काम करने वाले देशराज ने पुलिस को अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला के प्रेम संबंध के बारे में बता दिया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और अमरमणि कद्दावर नेताओं में शुमार थे, इसीलिए पुलिस बेहद संभल कर जांच कर रही थी। जब मधुमिता का शव पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए गृह जनपद लखीमपुर भेजा जा रहा था तो रास्ते में ही एक पुलिस अधिकारी की नज़र मेडिकल रिपोर्ट पर लिखी एक टिप्पणी पर पड़ी। मेडिकल रिपोर्ट में जो लिखा था बस यहीं से जांच की पूरी दशा और दिशा दोनों ही बदल गयी। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के प्रेग्नेंट होने का जिक्र था। मधुमिता शुक्ला के प्रेग्नेंट होने की जानकारी सामने आने के बाद अधिकारियों ने उसके शव को तत्काल रास्ते से ही वापस मंगवाकर दोबारा परीक्षण कराया। डीएनए जांच में सामने आया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा कद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी का था। शुरुआत में इसकी जांच CBCID को दी गई। चूंकि अमरमणि त्रिपाठी उस समय मंत्री थे और सरकार में उनका प्रभाव था, इसीलिए मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंची। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए केस को लखनऊ से ट्रांसफर कराने की मांग की और साल 2005 में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड केस को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। जांच के दौरान एक तरफ मधुमिता हत्याकांड में रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही थी तो दूसरी तरफ सरकार पर निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा था। विपक्ष के तेवर और बढ़ते दबाव की वजह से बसपा सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच CBI को सौंपनी पड़ी। यहां केस हाथ में लेते ही CBI ने 2003 के सितंबर महीने में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। अमरमणि त्रिपाठी ने CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत की हर संभव कोशिश की लेकिन अदालतों ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया। अमरमणि त्रिपाठी का उस वक्त रसूख इतना ज्यादा था कि मधुमिता हत्याकांड की जांच चल रही थी वो जेल में थे और यहाँ पत्नी के साथ गोरखपुर जेल में उन्हें रॉक कॉन्सर्ट करता हुआ पाया गया था। इसी दौरान 2007 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए और जेल से रहते हुए अमरमणि त्रिपाठी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर सीट से जबरदस्त जीत भी हासिल की थी। CBI ने जब जांच शुरू की तो इस दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे जिस वजह से इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड केस मामले को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हत्या का यह केस 4 साल चला और इसके बाद 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।